मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर एक बहुत नेगेटिव माहौल आजकल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कोई भी विचार रखिए, किसी के भी पक्ष में, किसी के भी विरोध में, लेकिन एक पूरा की पूरा एक इकोसिस्टम है जो शायद ये चाहता है कि देश के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट पर विश्वास करना बंद कर दें, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक अविश्वास पैदा हो जाए। आपने देखा होगा ये कैंपेन चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि ये जो लोग कर रहे हैं, जब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया उनके इशारों पर नाच रहा था तब तक सब ठीक था, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया शायद अपने आप से सोचने लगा, अपना दिमाग लगाने लगा, तो इन लोगों को बुरा लगने लगा, शायद ये एक कारण हो सकता है। इस समय इतने सारे युवा हमारे साथ आते हैं जो कि पत्रकार बनना चाहते हैं, टीवी पर काम करना चाहते हैं, अखबारों में काम करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में ये सारे लोग और खास तौर पर जो हमारा यूथ है, ये हमारे बारे में क्या सोचता होगा? क्या ये भी हम पर विश्वास करना बंद कर देगा? जो लोग यंगस्टर्स हैं जो हमारे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते होंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को इस मामले में कम से कम एक यूनिटी दिखानी चाहिए, एक एकता दिखानी चाहिए, और एकता दिखाने के लिए सबसे जरूरी होता है एक मंच, एक ऐसा मंच जहां सब लोग आए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पत्रकारिता के नाम हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे देश में मीडिया हाउसेज हैं, एक मंच तो होना चाहिए जो उन सबको एक साथ ला सके। और मुझे लगता है कि ये जो आज एनबा का मंच है, ये इस काम को बहुत बखूबी कर सकता है। तो मैं इसे एक, जो हमारा एक बटा हुआ मीडिया है, उसे एक करने का भी एक बहुत बड़ा मंच मैं इस एनबा के मंच को मैं देखता हूं। साथ ही जब लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए, पुरस्कार भी मिलना चाहिए। तो ये दोनों जो पक्ष हैं, एक लोगों को इकट्ठा करना और फिर अच्छा काम करने वाले लोगों को पुरस्कार देना,